हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिन पेन के ट्रीटमेंट की बात करेंगे। शिन पेन एक ऐसी कंडीशन है जो रनर्स जो लॉन्ग रनिंग करते हैं, स्पेशली जो आर्मी में जाने के लिए या पुलिस में जाने के लिए लॉन्ग रनिंग करते हैं, कुछ लोग शौकिया लॉन्ग रनिंग करते हैं, मैराथन रनर्स होते हैं, इन सब के अंदर शिन पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही वाइड है। कई बार लोग तब ट्रीटमेंट लेने जाते हैं जब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पेन हो जाता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है जो बेसिक फिजियोथेरेपी का एस्पेक्ट है कि आपको फुट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए फुट की और हिप की। उसके अलावा कोल्ड पैक लगाना चाहिए 20 मिनट के लिए दिन में 3 बार, उससे भी आपका शिन पेन कम होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, उससे साथ साथ में आप पैरासिटामोल बेस्ड पेन किलर ले सकते हैं क्योंकि वो सेफ होते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी से। वो डॉक्टर की सलाह से एनासेट्स और पैरासिटामोल या अल्ट्रासेट यानी कि ट्रेमाडोल पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन, इस प्रकार की मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। अगर आपके रनिंग शू सही नहीं है, उसकी हील बहुत स्टिफ है, तो स्पेशल आर्च सपोर्ट फुट के अंदर लगा सकते हैं, उससे भी आराम मिलता है। जब तक कि इंजरी हील नहीं होती है, आप योगा की सहायता ले सकते हैं, स्विमिंग की ले सकते हैं। याद रखें, जब भी आप रनिंग के लिए जाएं उससे पहले वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करें। सारी की सारी जो मसल्स होती हैं, जो लोअर लिम की हैं, हिप की, नी की और लेग और फीट की, उनको स्ट्रेच करना चाहिए फिर रन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शिन स्प्लिंट हैं और तभी भी रनिंग कर रहे हैं। आपको एक एक्सरसाइज का रूटीन बिल्डअप करना चाहिए और धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप रेस्ट करके दोबारा जा रहे हैं एक्सरसाइज करने, तो ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए। स्पेशली टेप्स आती हैं, टेपिंग की जाती है आर्च ऑफ फुट के लिए, या लेग मसल्स में जहां पेन हो रहा है वहां भी टेपिंग की जाती है, उससे भी पेन में आराम मिलता है। उस पार्ट पर मसाज करने से भी आराम मिलता है। एक्सरसाइज जो होती है, स्पेशली एक तो हिप के रोटेशन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, हिप के एबडक्शन वाले मूवमेंट की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, हिप के एक्सटेंशन वाले मूवमेंट के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइज वो करनी चाहिए जिनसे फुट की आर्च इंप्रूव हो, क्योंकि वो रनिंग में हेल्प करती हैं। शिन मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा फिजियोथेरेपी के पास अगर जाएंगे तो एक ESWT होती है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी, ये इसके अंदर काफी कारगर होती है। साथ में आप जिम के अंदर जाएं तो क्रॉस ट्रेनर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको वेट बियर नहीं करना पड़ता है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज होती है, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर ये अगर आप एक्सरसाइज करना चाहें तो वो बहुत अच्छा है। पूल के अंदर रनिंग यानी स्विमिंग के अंदर रनिंग करें तो आपको ये शिन पेन वाला पेन नहीं होगा। और साथ में स्ट्रेंथनिंग की तरफ ध्यान दें, काफ की स्ट्रेंथनिंग करें, स्ट्रेचिंग करें। उसके अलावा टिबियलिस एंटीरियर मसल की स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दें, वो रनिंग में हेल्प करती है। कोर हिप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करने से आपकी एंड्योरेंस बढ़ जाती है, आप ज्यादा अच्छा भाग पाते हैं। शू के अंदर शॉक एब्जॉर्बिंग सोल यूज करें। और प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग होती है, जहां एक लेग पे स्टैंड करके या वोबल बोर्ड की एक्सरसाइज, ये एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर्स में मिल सकती है, बैलेंस बोर्ड या वोबल बोर्ड पे एक्सरसाइज करने से। साथ में फूड के अंदर कैल्शियम रिच फूड लें, कैल्शियम बाहर से भी खा सकते हैं, विटामिन डी अच्छा होना चाहिए। अगर लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा पेन है तो रेयर इंस्टेंस में हम डेक्सा स्कैन करा के बोन की ताकत का भी पता लगा लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो क्रच यानी कि बैसाखी का यूज कर सकते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए। लिम्ब की कास्टिंग भी हो सकती है अगर पेन बहुत एक्सटेंसिव है। एक न्यूमेटिक ब्रेस आती है, उस ब्रेस के अंदर हवा भर दी जाती है, वो भी हेल्प करती है। और फिजियोथेरेपी की तो हमने बात की थी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी, एनासेट्स और जो हमने पेन किलर की बात वो पहले ही की है। तो ये वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आप एक अच्छे लेवल पे एथलेटिक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये सारे के सारे पार्ट आपके कोच आपके ट्रेनर आपको सारी चीजें बताते हैं। सी यू।